हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। तो आप सभी का एक और बार स्वागत है भ्रष्ट एसएमपी में, जहां हम बनाने वाले हैं अब एक मॉब फार्म। बाकी की लास्ट वीडियो जो दो थी उनमें हमने आयरन फार्म बनाया था, आयरन फार्म 1 और 2। इसमें हम इसी वीडियो में सारा खत्म करने वाले हैं। वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमें वीडियो छोटी बनानी पड़ी थी, पर इसमें हम पूरा इसी में खत्म करेंगे। तो अभी मैंने पूरा डायमंड आर्मर बना लिया था अपना। मेरे दोस्तों का आयरन ही था, मैंने पूरा अपना डायमंड बना लिया था, उनको नहीं पता था, छुपके बना लिया था। ठीक है, अभी वो चढ़ने वाले मेरे को देख के। तो मैंने पूरा डायमंड का आर्मर बना लिया और इंचेंटेड बो मिल गई थी मुझे भैया स्केलेटन भैया, तो उनकी हड्डियाँ तोड़ के ले ली थी मैंने। ठीक है, और छोटे मोटे ये फार्म्स बना दिए थे क्योंकि जरूरत पड़ रही थी, और एक सुगर केन फार्म बना दिया था क्योंकि मैं पेपर की जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि मैं बुक्स वगैरह बनानी थी और ज़रूरत थी भाई चीज़ों की। तो उसके लिए हमने छोटा सा बना दिया, इसका कोई वीडियो वगैरह बनाया क्योंकि बहुत छोटा सा बनाया था। ठीक है, और हम अपने मॉब फार्म के लिए जितना भी ज़रूरी सामान था वो सारा इकट्ठा कर रहे थे दोस्त वगैरह लोग, और लगभग सारा सामान इकट्ठा हो चुका था, कोबल स्टोन वगैरह सब एकदम स्टोन ब्रिक्स बना लिया था हमने, क्योंकि भाई अच्छा दिखना चाहिए यार अपनी ब्रश एस एम पी या तो तगड़ा दिखना चाहिए। तो हमने सारा स्टोन स्टोन जो भी है ब्रिक्स वगैरह बना के रेडी कर चुके हैं भाई। ये बुक्स वगैरह पता नहीं क्यों लेके घूम रहा हूँ मैं ये। हाँ, ये मैंने अपनी ट्रेडिंग फार्म से खरीदी थी भाई, ट्रेडिंग हॉल से खरीदी थी। वो ट्रेडिंग हॉल का जो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा भाई। ठीक है, वैसे मुझे ट्रेडिंग हॉल का डालना चाहिए था, मैंने मॉब्स का डाल दिया, पर कोई नहीं, मैं इसके बाद डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, तो अभी हम बनाना स्टार्ट करते थे। नीचे लगाते हैं सबसे पहले अपनी दो चेस्ट, उसके ऊपर हॉपर्स लगाते हैं 4, और फिर स्लैब लगा के उसके ऊपर मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। और ये स्लैब्स के ऊपर से साइड 21 ब्लॉक्स तक ऊपर जाना था हमें। ठीक है, तो यहाँ मैं सारे ब्लॉक्स पहले लगा देता हूँ, भूल जाता हूँ कैसे निकलूँगा भाई, फंस जाता हूँ, फिर वही रात हो जाती है, सो जाता हूँ जाके चुपचाप से। और होती है सुबह, सुबह होते ही मैं फिर से स्टार्ट कर देते हम दोनों काम करना, मैं और SRTS और मेरा एक तीसरा दोस्त था, उसको भाई एक ही काम दिया था हमने, तू भाई स्टोन खोद, स्टोन खोद के उनको भाई पहले से वो सॉरी कोविल स्टोन को पहले स्टोन बना, और स्टोन के बाद स्टोन ब्रिक्स बना। तो उस बेचारे को एक ही काम दे रखा था, वो मजदूरी पे लगा था बेचारा। तो हम जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर देते हैं ऊपर तक, 21 ब्लॉक्स तक हमको एकदम स्ट्रेट रखना था ऐसा स्क्वायर बना के, और मैं बना ही रहा था तब तक ये भाई साहब ऊपर से पता नहीं क्या मार देते हैं, और ये मैं टपका नीचे, हो गया स्वा भाई। 36 XP थी मेरी, फट से 0 हो गई। अब सारा सामान बटोरना पड़ेगा, तब तक भाई देख देख रहे भाई बटोरने आ जाते हैं भाई जल्दी जल्दी। भाई भाई जल्दी जल्दी ले लेता अपना सामान, मैं नहीं दूंगा एक भी, ओनली मेरे पास ही आर्मर था भाई। चलो कोई नहीं, दोस्त कह रहा होता ये उठा ले भाई तेरा ये पड़ा है वो, जल्दी जल्दी वो उठाते हैं भाई। फिर तब तक हमारा दूसरा दोस्त भी आ जाता नीचे, क्या था कि कैसे गिर गया, मैंने कहा हाँ मारा तुमने हाथ, तब पूछ रहे हो कैसे गिर गया, फिर कुछ नहीं अब चलो ऊपर चलते हैं। अब चढ़ने के लिए भाई कोई रास्ता तो था ही नहीं, फिर इनकी ट्रिक अपनाते हैं, ये सबसे अच्छी ट्रिक है भाई बाल्टी वाली, इससे तुम्हें बार बार ब्लॉक लगा के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, वरना सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ी, एक बार बन गया तो सीधा ऊपर जाओ। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी इसके साथ पानी से ऊपर, जल्दी क्या भाई 10 घंटे लगाता भाई ये, भाई करना नहीं आती हमको ट्रिक इतनी अच्छी, दोस्त को भी नहीं आती करना, फिर हम दोनों बिड़ रहे थे, पर मैं पहुंच जाता हूँ वो तब तक करता रहता। तुम फाइनली फिर गिराना चाहते हो क्या भैया, और ये बस 21 ब्लॉक्स हो गया था भाई तो ऊपर। देखो एक्यूरेटली मुझे नहीं पता कि 20 था या 21 था या 22 था, इतनी मतलब 20 से 22 के बीच में था। फिर ऊपर पहुंचने के बाद हमें ये स्टिप्स बनानी पड़ती हैं 7-7 की, हाँ 7 ब्लॉक्स ही तो पानी जाता है, अगर एक ब्लॉक से लास्ट ब्लॉक से डालेंगे 7 में तो 7 से 1 तक पानी जाएगा। तो हमें 7-7 का कर देते हैं, बना देते हैं फिर इनको एक तरह से, हमें ऐसे बनाना था मतलब इसमें बंदर पानी भर सके कुछ इस तरीके से बनाना था, इसको पहले पूरा भरना पड़ेगा। ये देखो भाई साहब कहाँ चढ़ के आ रहे हैं, सबको देखना है, सबको ट्रैक करनी है, देख रहे हो अब घंटे भर में आ पाएंगे, आधा काम तो हमारा ही शुरू कर देते हैं बीच में घुस घुस के लोग, पर कोई नहीं दोस्त लोग। अरे लो ये बहुत MLG कर, अब से कर रहा था भाई मेरी तेरे MLG करके देखो, लोग RIP MLG हो गई इसकी, पर दोस्त हाँ मैं क्या कह रहा था, हाँ भाई घुसते नहीं भाई दोस्त, भाई तगड़ा काम करते हैं साथ में, मस्त इन्हीं के साथ खेल पाता हूँ भाई, बनाते बनाते दिन रात फिर से हो जाती है ये भर से, ये तो डिस्पन हो गया था भाई, फिर इनको पेलना चालू करते हैं भाई, देख रहे भाई भाई का निशान देखना एक बार में लगेगा टाक, अरे हाँ थोड़ा मोड़ा मिस हो जाता है भाई एक हाथ तो थोड़ा सा, और देखो लड़का देखो एक बार मारेगा इसमें एक बार, और ये खाता ये भी खाता, इन सबको पेलने पालने के बाद फिर भाई, क्योंकि हमें पेलना इसलिए शुरू कर दिया था क्योंकि हमारा जो स्टोन है वो खत्म हो गया, तब तक दोस्त बना के ला रहा था, तब तक हमने सोचा केला नहीं पेल लिया जाए, वरना हम कौन से रात में रुकने वाले थे। हमें ना डर लग गया ज़ॉम्बी से छोरा, ये बिल्ली मौसी पता नहीं कहाँ से आ गई, इसको तो रुक जा भी टपकेगी नीचे बेटा, रुक जा तू डट जा तू, और ये टपक गई
हाँ भाई बच जाती है क्योंकि नीचे पानी था ना, इसमें से बच जाती बिल्ली भाई। तो ऐसा बनाने के बाद अब बस काम बाकी था, हमें इसमें ट्रैप डोर्स लगाने थे और ऊपर ये, हाँ ये छत भरनी थी। ये छत भरने का काम मैं चालू कर देता हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि जो स्टोन लेके आ गया था, पर हमारे पास कोबल स्टोन इतने ख़त्म हो गए थे, अब बहुत टाइम लगता अगर हम फिर से दोबारा से उसको वहाँ कोबल स्टोन जनरेटर से जाके अगर माइन करते और बनाते पूरा बहुत टाइम लगता। तो हम डीप स्लेट जो लेके आए थे वही लगाना चालू कर देते भाई, उसी से भर देते हैं पूरा डीप स्लेट से, डीप स्लेट से पूरा बनाना चालू कर देते हैं, इसको भर देते हैं पूरा सा, जल्दी जल्दी भरते हैं। और ये फाइनली भर जाता है, भरने के बाद नीचे हम आ जाते हैं, नीचे जाके बस अब काम बचा था कि अब हमें लगाने थे ट्रैप डोर्स, तो ट्रैक डोर का काम चालू करना था। अब मेरा जो एक दोस्त था वो जा चुका था तो मुझे ही बनाने थे, इस दोस्त को अभी लगाना नहीं आते थे, ठीक है मेरे जो रागा भाई भाई उन्हें नहीं लगाना आते थे, तो वो देख रहे थे। मैंने कहा तो ऐसे ऐसे लगाना है कि इनका मुंह नीचे की तरफ खुले, बस ऐसे सिखा रहा था मैं इनको, तब तक मैं सारे ट्रैप डोर्स लगा देता हूँ खुद ही, बस इतना बोलता हूँ बस उनको ओपन कर दो सारे ट्रैप डोर्स को। तो ऐसे भाई फाइनली एक दो तीन दिन, तीन डे थ्री के अंदर, डे थ्री फोर फाइव सिक्स, डे सिक्स के अंदर हमने आयरन फार्म, मॉब फार्म और सुगर फिन फार्म बना लिया था, ठीक है भाई तगड़ी तरीके से काम कर रहे थे भाई, करते जा रहे थे जड़ 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 जड़। हाँ हम कोई 100 डे सर्वाइवल सीरीज नहीं कर पा रहे, पर अप्रोक्स हम उतने दिन के अंदर एक अच्छा खासा बेस बिल्ड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे मस्त सा एकदम पूरा काम कंप्लीट हो गया, अभी बचा है सिर्फ ऊपर जाके हमें एएफ के फॉर्म बनाना, वो सॉरी एएफ के पॉइंट बनाना था, तो मैं एएफ के पॉइंट बनाने निकल जाता हूँ जो शायद बाई 126 करके यानी 46 करके कुछ था, 46 ओनली था, उतनी ऊपर तक जाना था। ऊपर जाके भाई मस्त सा प्लेटफॉर्म बना के तुम्हें थोड़ी देर एएफ के रहना पड़ता है और मॉब्स आना स्टार्ट हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ बनाता हूँ एक मस्त सा एएफ के प्लेटफॉर्म, बना तो ऐसा रहता जैसे मैं यही घर पर बसा के घर बनाने वाला हूँ भाई, यहीं घर बनाने वाला हूँ, क्या क्या बोल रहा हूँ पता नहीं भाई। ये मस्त एक डब्बा बना के उसमें जाता हूँ बंद, और आधे घंटे उसमें रहने के बाद घंटा एक मॉब स्पॉन नहीं होता है भाई, कदुआ नहीं चल रहा था हमारा ये, ठीक है। तब तो निकल जाते हैं हम एक एक और जगह वहाँ देखने, वहाँ एक हमने फार्म बनाया था, फार्म क्या बनाया था वो बस एक चीज़ बना रहे थे स्लाइम, स्लाइम चंक्स के जरिए, बस वो स्लाइम चंक्स होता ना स्लाइम बायोम था क्या नाम था उसका, स्वयं बायोम, स्वयं बायोम में जाते हैं तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलता भाई, लौट आते हैं भाई। फिर माइन करते करते जब कुछ माइनिंग करने निकल जाते तो माइनिंग करते करते मिल जाता हमको मॉब स्पॉन है भैया, खजाना मिल जाता, तभी तो इतने मॉब स्पॉन हो रहे थे। तो यहाँ बना देते हैं हम एक और मॉब फार्म, ठीक है। हमको दो दो मॉब स्पॉनर मिल गए थे, एक स्केलेटन वाला एक जोम्बी, तो यहाँ बना देते हैं मॉब स्पॉनर से हम एक और मॉब फार्म, तो और फिर हमारे पास दो नहीं तीन तीन मॉब स्पॉनर, वो तीन तीन मॉब फार्म हो जाते हैं, पर एक बंद कर देते हैं दो ही चलाते हैं, एक जो हमने अभी बनाया वो भी काम करना फिर स्टार्ट कर देता है, अच्छे खासे मॉब्स आना स्टार्ट हो जाते हैं उसमें भी, और भर भर के चाहिए थे एक्सपी अच्छा खासा, तो यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। दोनों मॉब फार्म हमारे काम कर रहे हैं, ऐसा होता है कि कभी मेरा दोस्त यहाँ पे है और मैं वहाँ पे है, दोनों अपने अलग अलग एक्सपी बटोर रहे हैं भाई, अच्छा खासा मॉब फार्म। इस वीडियो में हमारा मॉब फार्म फाइनली जो बनाया था वो भी कम्प्लीट हो जाता है और एक और मॉब फार्म मिल जाता है हमें, तो भाई दो दो मॉब फार्म हो गए थे, क्या चाहिए भाई, भर भर के एक्सपी मिल रही थी हमें। तो अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा ट्रेडिंग हॉल और मे बी ट्रेडिंग वो इंचेंटमेंट टेबल की, ठीक है। तब तक के लिए बनी रही है और लाइक करो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।